नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं संस्कृत निधि क्लास 6 की, और आज है आज वही चंद्रशेखर आज़ाद का। हम लोग आज चैप्टर को समाप्त करेंगे। आपका संस्कृत अनुवाद बाकी था, तो उस संस्कृत अनुवाद को मैं कॉपी में लिख करके लाई हूँ ताकि आप उसको बड़े अच्छे से कर सकिए। तो देखिए क्या है संस्कृत अनुवाद में, चलिए शुरू करते हैं कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो अगस्त के 15 दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये इसका जो है शुद्ध रूप से इसको कहना होता है। हाँ, जब हम इसको लिखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तो इसी तरह से है कि अगस्त मास से, देखिए स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके आयोज्यते, मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है आयोज्यते, तो क्या हो जाएगा आप ये देखिए कि स्वतंत्रता दिवस, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पंचदश दिनांके अगस्त मासम आयोज्यते ऐसे, या तो आपका सबसे ठीक रहेगा कि स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके आयोज्यते। तो ये देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि स्वतंत्रता दिवस इस, ये क्या है, ये आपका कर्ता है। ठीक है, और 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो अगस्त महीने की, हमने इसको कैसे बनाया, अगस्त महीने की दिनांक। तो अगस्त जब हमने ऐसे बनाएंगे अगस्त महीने की दिनांक, तो अगस्त महीने की में क्या हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो अगस्त मासस्य लगा दिए। अब 15वें दिनांक को, तो दिनांक में सप्तमी लगा दिए, हाँ तो पंचदशी दिनांक ही हो गया। अब मनाया जाता है तो आयोज्यते, और मनाते हैं तो आयोज्यते। ठीक, तो मनाया जाता है आयोज्यते। अब ये देखिए क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुति दी। तो स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्ता प्राणान अत्यजन। स्वतंत्रता संग्रामी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्तमी लगी है, षष्ठी विभक्ति है, तो स्वतंत्रता संग्रामी राष्ट्रभक्त बहुवचन बहुवचन में है, तो रामः तो राष्ट्रभक्ताः प्राणों की प्राणान, प्राण हो गए ना आपके बहुवचन प्राणान, और आहुति दी अत्यजन। ठीक, अभी देखिए क्या है आपका ग, चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत विषय के छात्र थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद राम होता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन, संस्कृत विषय के, क्या आ रहा है संस्कृत विषय के, तो संस्कृत विषयस्य के षष्ठी विभक्ति, इसमें क्या हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, के लगाए ना चिन्ह, संबंध कारक, तो संस्कृत विषयस्य छात्रः आसीत। फिर देखिए क्या है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो अस्माकं देशः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके 1947 तमे वर्षे, 1947 इस वर्ष में ना, तो तमे वर्षे को स्वतंत्र हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका स्वतंत्र हुआ, वर्षे स्वतंत्र हुआ को बोलेंगे हम अभवत, लंग लकार में है अभवत। देश में संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो देश में संविधान, तो देश में आप हमेशा विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए चलिए, सप्तमी है
तो क्या कर दिए, देशे संविधान 26 जनवरी, यहाँ भी वही चीज़ है 26 जनवरी। तो संविधानम, संविधान में देश में संविधान के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो द्वितीय लगा देंगे। तो संविधानम जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की 26 तारीख को, जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांक 1950 वर्ष तमे वर्षे जातम, लागू हुआ था या हुआ, जातम। ठीक है, इस तरह से आप संस्कृत में अनुवाद बनाइए और बहुत ही सरल है, बस आपको विभक्ति वचन और रूप याद होने चाहिए और लकार पता चलना चाहिए, तो इस आधार पर आप अच्छे से बना सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि मेलनम कुरुत, मेलनम कुरुत में क्या है, गणतंत्र दिवस को जनवरी मास से षड्विश दिनांक के 26 दिनांक हुआ था। हाँ एक मिनट, ये देखिए गणतंत्र दिवस कब आयोजित किया गया था, ये आपका आयोजित किया गया था 26 जनवरी, षडविंश 26 जनवरी, जनवरी महीने की 26 दिनांक की जनवरी महीने को आयोजित किया गया था। तो उसी तरह से स्वतंत्रता दिवस, तो आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को करते हैं, तो पंचदश दिनांक है अगस्त मास से, पंचदश दिनांक है। महात्मा गांधी का जन्मदिन अक्टूबर महीने की द्वितीय दिनांक होता है, तो अगस्त अक्टूबर मास से द्वितीय दिनांक है। और झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दिसंबर मास से 7 दिनांक की, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। अब आपको क्या कह रहे हैं कि ये शिक्षण संकेत है, और फिर आपका आ जाता है अहम वीर बालः, अहम वीर बालः, अहम मातृभक्तः, अहम पितृभक्तः, अहम लोकसेवा व्रति देशभक्तः, अहम दीन बंधु, अहम हीन बंधु, अहम पीड़ितानां महास्नेह सिंधु, अहम वीर बालः। ये बहुत छोटा सा वीरता पर है, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी है, तो वीरता पर आपको ये बहुत छोटा सा दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए कि अहम वीर बाला, मैं वीर बाल हूँ, मैं वीर बच्चा हूँ, मैं वीर बालक हूँ, अहम वीर बाला, अहम मातृ, और मैं मातृभक्त हूँ, मैं पितृभक्त हूँ, पिता का भक्त हूँ, मातृभक्त हूँ, लोक सेवा, मैंने लोक सेवा का व्रत लिया है, ऐसा मैं देशभक्त हूँ, अहम दीन बंधु, मैं दीन बंधु हूँ, मैं दीनों का भाई हूँ, और मैं हीन बंधु भी हूँ, अहम पीड़िता नाम महा स्नेह सिंधु, मैं पीड़ित हूँ और महान सिंधु के समान, महान सिंधु मैं स्नेह से भरा हुआ हूँ, और किसके समान हूँ, सिंधु नदी के समान हूँ। यश पुण्य है, पुण्य है अवाप्यते, यश को पुण्य से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये चैप्टर आपका चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर, कौन सा चैप्टर होगा, वो होगा आपका काकह, वो पद्यम है, बालगीत है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।